दोस्तों यदि आपने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया है तो इस वक्त आ चुकी है आपके लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि दोस्तों इसका जो एग्जाम का रिजल्ट है वह अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको अपने रिजल्ट को चेक करना है, आपका मार्क्स कितना आया है ये आपको कैसे जानने को मिलेगा, इससे जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो तुरंत इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि अभी 15 मार्च 2021 को कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें लिखा है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इसका कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके जो ये नोटिफिकेशन है सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। अब देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका ये एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का भर्ती है जिसका एग्जाम 27/11/2020 को शुरू हुआ था और 16/12/2020 तक चला था। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों सारी जानकारी दी गई है जिसे आप आसानी से देख सकते हो। देखिए जो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको बोनस मार्क यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, ठीक है, सी लेवल का सर्टिफिकेट था, तो आपको जो मार्क्स है उस मार्क्स का 5% का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का आपको बोनस भी दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पर जरा आप देखोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 67,740 कैंडिडेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पास किए गए हैं। अब आप यहां पर देख सकते हो कैटेगरी आपका दिया जा रहा है, कौन सी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है, तो ये आप यहां से चेक कर सकते हो। इसको चेक करने के बाद आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर हमने इसे अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट की लिस्ट है वह आपको देखने को मिलेगी। देखिए कट ऑफ के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले अब जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लोगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जरूरी इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनल आंसर की को लेकर दी जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिप्रेजेंटेशंस रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल आंसर की है उसको मॉडिफाई किया गया है। और द फाइनल आंसर की वी हैव यूज्ड फॉर इवोल्यूशंस, फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 25/3/2021 से 15/4/2021, यानी कि 25 मार्च को जो आपका फाइनल आंसर की है वह अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप 15 अप्रैल 2021 तक आसानी से डाउनलोड करके अपने मार्क्स को चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपका जो आपके नंबर को लेकर, ठीक है। इसके बाद अब जरा हम बात करते हैं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको नहीं बताया गया है कि आपको अपने रिजल्ट को कैसे चेक करना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको अपने रिजल्ट को कैसे चेक करना है। देखिए रिजल्ट चेक करने का जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसके लिए आपको लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक करते हो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ा ही सिंपल मेथड मैं आपको बताऊँगा। आपको सिंपली क्या करना है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार फिर से वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा रिजल्ट का, ठीक है। आपको सिंपली इस रिजल्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे रिजल्ट के आइकन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, अभी CGL, CHSL ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा अदर का, ठीक है, अदर्स का जो आपको एक ऑप्शन है आपको सिंपली इस अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15/3/2021 को यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपको SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव का आपका नोटिफिकेशन दिखाई देगा। अब अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर लिखा है, आप नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको वह लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जिस लिस्ट में आपको आपका नाम यानी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, रिजल्ट लिखा होगा वो रिजल्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर क्लिक हियर का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली इस क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर देखोगे कि आपसे जो आपका फाइल है वो लगभग 3.3 MB का फाइल होगा, ठीक है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक करोगे तो देखोगे दोस्तों कि आपका जो फाइल है वह डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट दी जा रही है उन कैंडिडेट की जो क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो नाम वगैरह है वह रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसा आप देखोगे तो आपका आपका रोल नंबर मिलेगा, आपकी कैटेगरी मिलेगी और आपका नाम देखने को मिलेगा। अब इतनी बड़ी लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे सर्च करना है, तो आप देखोगे कि आपने इस फाइल को जहाँ पर भी ओपन किया होगा उसके ऑप्शन एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर करके आपको जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, तो आपको जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। जब जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड में जैसे मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, जैसे मैं एक अच्छा नाम से सर्च करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने रवि सर्च किया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं अपना नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ रवि। तो जब आप रवि नाम डालोगे या जो आपका नाम होगा रोल नंबर वगैरह जो भी डालोगे, तो इसके बाद आप यहाँ पर जरा देखोगे कि राइट साइड में जो यहाँ पर सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे कि कितने इस रवि नाम से जुड़े हुए आपको नाम देखने को मिले, तो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखोगे कि जिस जगह पर ये नाम आप सर्च करोगे या रोल नंबर सर्च करोगे उसके ऊपर या तो येलो हो जाएगा या फिर आपका कुछ ऐसा रेड हो जाएगा। तो आप आसानी से यहाँ पर अपने रोल नंबर से या फिर अपने नाम से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर नाम होगा आप सिलेक्टेड हो गए कट ऑफ के अंदर हो गए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपका नाम रोल नंबर के साथ में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यह लिस्ट डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही हो तो इस लिस्ट को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए जल्दी से और आप इस लिस्ट को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि उनको उनके जो मार्क्स हैं वे कैसे चेक करने हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा आपके मार्क्स को चेक करने का, लेकिन उससे पहले जरा नोटिफिकेशन में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए अभी आपका केवल रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर जब आकर आप देखोगे तो 10 नंबर कॉलम्स में आपको लिखाया जाएगा कि मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड या फिर नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है भले वह क्वालिफाइड हो या फिर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, उनका जो मार्क्स होगा वह यहां पर आप देखने को मिलेगा कि 25 मार्च को अपलोड किए जाएंगे। जब आपका फाइनल आंसर की यहां पर जारी किया जाएगा उसी के साथ में आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे और 15 अप्रैल 2021 तक आप आसानी से अपने मार्क्स को चेक कर पाएंगे। मार्क्स को कैसे चेक करना है चलिए यह हम आपको बता देते हैं। देखिए मार्क्स चेक करने का बड़ा ही सिंपल तरीका रहेगा, आपको सिंपली क्या करना होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी की आकर यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है फिल करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया होगा उसको यहाँ फिल करके और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सबसे लास्ट में ऊपर एक कॉलम 4-5 बने देखेंगे, सबसे लास्ट में आपको लिखा मिलेगा रिजल्ट एंड मार्क्स, आपको उस पर क्लिक करना है। अब जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, नीचे आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह दिखाई देगा, उसे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ऊपर जो देखने को मिलेगा वहां पर आपको अपना जो एग्जाम था उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव का दिखाई देगा, आपको उस पर सिलेक्ट करके क्लिक करके नीचे सबमिट का एक ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। आपके सामने जो आपके उस एग्ज़ाम को दिए हुए जितने भी आपके नंबर आ रहे होंगे पूरा आपको लिस्ट वाइज वहां पर देखने को मिल जाएगा, आपके रॉ मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, आपका जितने भी ABCD जितना भी सेट था हर सेट का आपको अलग अलग मार्क्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहां पर नॉर्मलाइजेशन कितना दिया गया है वह भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर यहां से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपको आ रही हो एसएससी से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। हमारी तरफ से यही कोशिश है कि आप सभी तक बिल्कुल सही और सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाई जाए। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे दोस्त लोग चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं कृपया उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बगल वाले जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले एसएससी से जुड़ी हुई ऐसी ही इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।